अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल देखा था, लोगों को याद होगा, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि दोनों में तुलना की थी हम लोगों ने। लेकिन आज का ये आर्टिकल आपका भारत में जो कमजोर होती संसदीय प्रणाली है उससे संबंधित है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वक्त की मांग, तो इसी से संबंधित है। क्योंकि अभी आपने देखा है, पहले आपने कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में किस तरह से आपने देखा है कि बनी हुई सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख, तो इसी से संबंधित पूरी कई पक्षों पर बात की गई है इसमें वैसे, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त ने भारत में राजनीति और राजनीतिक दलों में गिरते मूल्य पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। जिस तरह ये घटनाएं हो रही हैं उनमें अंतर्निहित कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सीमाओं को रेखांकित करना है। इन सब घटनाओं से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को लेकर कई सारे प्रश्न उठने लगे हैं। क्या जिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को भारत ने अपनाया था वह असफल रही? क्या संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए? आप ही सोचिए कि अगर आप सोचिए कि एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि लोकसभा में चुनाव जीतेंगे आपके, और उन्हें खरीद कर भी आप लोग देखेंगे कि उन्हें लाल लालच देकर प्रधानमंत्रियों का पद भी बदला जाएगा। और एक हमेशा याद रखिए कि फर्क इससे नहीं पड़ता है कि कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि जनता का पैसा खर्च होता है चुनाव में, और एक सीट पर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम। और वैसे तो आप देखते हैं कि 15-20-20 करोड़ रुपए तक, 500-500 करोड़ रुपए आपने देखा है कि एक विधायक बिक जाता है कभी कभी, तो मिनिमम मैं कहता हूं कि 2 करोड़ मानिए आप लोग, तो कहीं सीट खाली हो रही 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आपने अन्य योजनाओं पर भी लागू कर सकते हैं, गरीबों की मदद करने पर भी लागू कर सकते हैं। और आप ही सोचिए एक दिन वो क्या मंजर होगा जब आप देखेंगे कि आप जिसे वोट दे रहे हैं, आपने दिया है एक पार्टी का नाम लेकर उसे, और आप देखेंगे कल उसने दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ली, यानी कि आपका फिर वोट का क्या महत्व रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है वोट देने का। तो एक तरह से आपके देश के जो लोकतंत्र है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आपके वोट का मतलब ही नहीं रह जाएगा तो लोग देना भी कम पसंद करेंगे। अभी आपने देखा है कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी वोट नहीं देती है, वो सोचती है कि क्या मतलब है वोट देने का। भारत में संसदीय प्रणाली की सीमाओं की अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के पहले ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया जा चुका था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भी अपना लिया गया। फिर भी दोनों देशों की संसदीय प्रणाली में कुछ अलग अलग यानी कि भिन्नताएं नजर आती। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली सफल रही क्योंकि वहां की जनसंख्या और उसकी विविधता कम है, साथ ही ब्रिटेन में राजनीतिक परंपराएं भी संसदीय लोकतंत्र को एक व्यवहारिक प्रणाली बनाती। और एक यहाँ के सफल रहने का एक और कारण है, सबसे बड़ा, यहाँ की जनता जागरूक है, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ की जनता को आप देखते हैं कि दो चार वादे फटकारिए, झूठे ही सही, या फिर आप एक समूह पर, खास धर्म पर कटाक्ष कीजिए, आपकी भक्त हो जाएगी। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली उन परंपराओं पर आधारित है जो भारत में मौजूद नहीं है। ब्रिटेन प्रति निर्वाचित क्षेत्र 1 लाख से कम मतदाताओं वाला एक द्वीपीय देश है, जबकि भारत में प्रति निर्वाचित क्षेत्र 15 लाख मतदाता हैं, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से। ब्रिटेन में मौजूद राजनीतिक दलों की एक स्पष्ट विचारधारा होती है, उनकी नीतियां और वरीयताएं उन्हें एक दूसरे से अलग करती है, जबकि भारत में अक्सर राजनीतिक दल का सदस्य अपनी सुविधा अनुसार अपने दल और विचारधारा को बदलता रहता है। वही नहीं है कि अपने ईमान को बदलते रहते हैं कि आज अगर आपको यही सही, आप अभी कुछ ही दिन पहले देखिए, अब नाम नेताओं का कभी नाम मत लिखिए, आंसर राइट कहीं करना है आपको तो आप वहां इन नेताओं का नाम यूज मत किया करिएगा। अभी आप लोग देखेंगे कि एमपी में देखा है, राजस्थान में भी देखा है, एमपी में कई नेताओं को ऐसा देखते थे कि कल जो दूसरी पार्टी को गाली देते रहते थे, उनके बारे में इतनी बुराई करते रहते थे, आज उनकी ही विचारधारा में मिलकर उन्हीं के साथ जाकर सरकार बना ली। तो आप समझ रहे हैं, ये मतलब नेताओं का कोई धर्म नहीं हो सकता है, इनकी कोई विचारधारा नहीं हो सकती है, ये समय मिलने पर अपने बाप को भी बदल सकते हैं, कहने का मतलब सीधा इतना है।
रहे हैं? ब्रिटेन में किसी राजनेता के दल बदल पर जनता और राजनीतिक दल दोनों ही प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, जबकि भारत में राजनीतिक दलों द्वारा जीतने की प्रत्याशा और जनता द्वारा जाति धर्म को वरीयता दी जाती है। आप सोचिए कि 1985 में आपका दल बदल विरोधी कानून आ चुका है, तो देखिए संविधान ने अपना काम कर दिया। क्या है? संविधान ने अपना काम कर दिया, यानी कि देश में जो भी कानून व्यवस्था है उसने अपना काम कर दिया, लेकिन हम अपना काम कभी नहीं कर पाए। अगर वो एक दल से दूसरे दल में जाता है तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि उसे अगली बार हम ना वोट दें बिल्कुल भी, जिससे कम से कम उसमें डर तो रहेगा, बाकी में डर तो रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी बार वो एक पार्टी से दूसरे में शामिल हो जाता है, फिर चुनाव लड़ता है, उपचुनाव उसमें भी जीत जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जनता यहाँ दोषी है, ना कि कोई और। ब्रिटेन में जहां संसद सदस्यों द्वारा सरकार की जवाबदेही को महत्व दिया जाता है, वहीं भारत में विधायिका के सदस्य कार्यकारी शक्तियों के उपभोग को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि हमारे यहाँ के जो भी विधायक होंगे वो जनता से ज्यादा अपने ऐसा आराम पर ऐसा और आराम पर जोड़ देंगे। मैं इतना ही देखता हूँ कि आप देखिए कि लॉकडाउन के समय कोई आपको विधायक दिखा है रोड पर? कोई सांसद दिखा है आपको? कोई नहीं दिखा है आपको। सब अपने घर में, कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था, कोई घर से ही ट्वीट कर रहा था, कोई मजे ले रहा था, कोई परिवार के साथ क्या क्या मजे कर रहे थे, चेस खेला जा रहा था। आप खुद सोचिए, अगर भगवान को मानते हैं आप, ऊपर वाले किसी को भी मानते हैं, क्या अगर वो धरती पर होता तो वो इस तरह से जनता को मरते छोड़ता? मैं कहता हूं कि कभी नहीं ऐसा होता। अगर भगवान श्री राम होते, जिस विचारधारा को लेकर आपने देखा है कि राजनीति चलती रहती है, अगर वो होते तो वो कभी इस तरह से जनता को मरते ना देखते। कई हमारे समाजसेवी संगठनों ने और समाजसेवियों ने बहुत मदद की है। मैं बार बार एक चित्र का आपने सुना होगा कि बहुत दोहरा रहा हूं, एक महिला मेरी मतलब अंदर तक झकझोर के रख दिया है कि ऐसी स्थिति देश में कभी ना तो उत्पन्न हुई है और भगवान करे ना कभी उत्पन्न हो, किसी भी देश में मैं कहता हूं इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। एक महिला जन्म दे रही बच्चे को रोड पर, इससे भयावनक मुझे नहीं लगता है कि स्थिति कोई हो सकती है। और फिर वह जन्म देने के बाद वो फिर से उठ के चलने लगती है। कहा जाता है कि एक महिला को, एक बच्चे को जन्म देने में उसका दूसरा जन्म होता है, यानी कि इतनी पीड़ा होती है, समझ रहे हैं? तो मतलब उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा है। एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर ले जाके बिहार पहुंच जाती है, 1200-1500 किलोमीटर साइकिल चला के, बीच में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है, कोई मंत्री नहीं आता है। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचती है तो उसकी मदद के लिए आप लोग आने लगते हैं। क्या यही हमारा देश है? मुझे नहीं लगता है कि आप सोचे कि अगर भारत हमारा अगर ये नहीं हो सकता है। इस समय मैं कहता हूं गांधी जी होते तो वो खुद मर जाते, खुद सुसाइड कर बैठते। ये हालत हमारी आज के नेताओं का देखकर, अब पता है ऊपर वो बैठे बैठे उनकी आत्मा तो खुंडित होती होगी सभी की, कि किस तरह से किसी ने, आपने देखा है 13 साल में, 14 साल, 15 साल, 20 साल में अपने मतलब देश के लिए शहीद हो गए, तभी आज जाके हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं मिली हुई है, आजादी मिली हुई है। भारत में संसदीय प्रणाली क्यों असफल हो रही है? आखिर भारत में विरोधी विधायी शक्ति को कार्यकारी शक्ति के रूप में उपभोग किया जाता है। चूंकि एक संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों से बनती है, जिससे विधायी शक्तियों का कार्यकारी शक्तियों के रूप में उपभोग की संभावना और बढ़ जाती है। प्रशासन के बजाय राजनीति अधिक महत्व दिया जाने लगा है। जब सरकार कम सदस्यों के समर्थन पर टिकी होती है तो ऐसी सरकार की सत्ता खोने का भय रहता है। ऐसे में सत्ताधारी दल को प्रशासन के बजाय राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आप ही सोचिए कि आपके पास अगर काफी विधायक हैं तो आप अपनी सरकार को बचाने से ज्यादा मानव कल्याण में, यानी कि अपनी जनता का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब आपके पास कम सदस्य हो और फिर केंद्र में कोई दूसरी पार्टी हो तो आपको और बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जिसकी पार्टी केंद्र में रहती है वो कुछ इस तरह से ज्यादा ही उठापटक करता रहता है। भारत में राजनीतिक दलों की बहुलता, जबकि ना तो उनके कोई निश्चित आदर्श है ना ही कार्यप्रणाली है। बहुत से दल केवल अपने निहित स्वार्थों पर टिके हुए हैं। एक गठबंधन सरकार प्रणाली में ऐसे दल प्रशासनीय निर्णय लेने में बाधा बनते हैं और बेहतर स्वार्थ पूर्ति के अवसर
मिलते ही सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह आपने देखा होगा कि क्या होता है कि ये दल क्या करते हैं कि उन्हें अगर दूसरी पार्टी लालच दे रही है, बड़ा पद दे रही है, तो वो तुरंत उस सरकार को गिरा कर दूसरी सरकार में शामिल हो जाते हैं। मतलब इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, समझ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एमपी को देख लीजिए, उसके बाद राजस्थान को। इस समय हमारे देश को क्या जरूरत है कि सब मिलजुल कर, पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से, तो सब मिलजुल कर कोरोना से लड़ते, बाद में सरकारें गिरती रहती, क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारें भूल कर, विधायक कहीं मजे कर रहे हैं, रिसोर्ट में खड़े हुए हैं, होटलों में मजे कर रहे हैं, जनता पिस रही है, जनता बुरी तरह से प्रभावित है, समझ रहे हैं। विधायकों को खरीदने के लिए पैसे मिल रहे हैं, जनता को के विकास के लिए 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई, आप समझ रहे हैं कि इतनी बुरी भयानक स्थिति पैदा हुई है। चूंकि भारत में राजनीतिक दलों को की कोई निश्चित आदर्श नहीं है, इसलिए मतदाता मतदान के समय दलों के बजाय व्यक्तिगत व्यक्तियों को वरीयता देता है, जिससे लोक लुभावा लुभावनवाद और अधिनायकवाद के तत्वों को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार के व्यक्तिगत मूल्यांकन के बजाय लोग उसकी जाति, धर्म अथवा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम के आधार पर मतदान करते हैं। आप समझिए कि आपके यहाँ अगर ईमानदार कोई विधायक है, कल चुनाव लड़ रहा है, तो आप उसे वोट नहीं देंगे। आप या तो किसी पार्टी का सिंबल देख लेंगे कि इस पार्टी का है, केंद्र में इसकी सरकार है, अभी इसकी का बोलबाला है, उसी दिशा पे आप भी बह जाते हैं, चाहे वो उसकी शक्ल आपने देखी हो कभी या ना देखी हो, लेकिन फिर भी आप उसे चुनाव जिता देते हैं। संसदीय प्रणाली की विफलता की यानी कि असफलता के प्रमुख प्रभाव क्या है। भारत में राजनेता बनने के पीछे अवसर सत्ता पाने की महत्वाकांक्षी रही है, जिसका परिणाम प्रशासन के गिरते स्तर के रूप में सामने आया है। भारत में संसदीय प्रणाली की असफलता के निम्नलिखित प्रमुख परिणाम देखे जा सकते हैं। आप सोचिए, एक समय हुआ करता था कि क्या बोलते थे हमारे नेता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज का आपने देखा होगा कि आप मुझे वोट दो मैं तुम्हें इतने भ्रष्टाचार करूंगा कि आप भी याद रखेंगे। तो इन्हें आप लोग देख सकते हैं। कार्यकारिणी में अक्सर ऐसे लोगों को शामिल करना पड़ता है जो सक्षम नहीं होते। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी मनपसंद कैबिनेट नहीं चुन पाता है, क्योंकि उसे सरकार में गठबंधन के साथियों को भी संतुष्ट करना होता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन वहां भी राजनीतिक दलों के ही वही सदस्य होते हैं जो लोकसभा में नहीं पहुंच पाते हैं। राज्यसभा में बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के किसी सदस्य को कैबिनेट में शामिल किया गया हो। आपने देखा होगा कि राज्यसभा इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इसमें जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं लोग, उन्हें शामिल किया जाए। लोकसभा में आपने देखा है कि अनपढ़ों को शामिल किया जाता है, जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, उन्हें शामिल कर लिया जाता है, वो भी चुनाव जीत कर। लेकिन राज्यसभा में तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए था। लेकिन अक्सर आपने देखा है कि जब लोकसभा का चुनाव कोई हार जाता है तो उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यानी कि दोनों में अपराधियों को भर दिया गया है। आज तो कहा जा रहा है कि आपके एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि आधे से अधिक अपराधी संसद में आपके लिए कानून बना रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर बलात्कारी होगा कोई, वो कभी नहीं चाहेगा कि बलात्कार पर कोई ऐसा केस बने कि उससे सजा मिले। तो आप जानते हैं कि अधिकतर आपके अपराधी हैं बलात्कारी हैं, डकैत हैं। तो आप समझ सकते हैं, सत्ता की लालच ने विधायी सदस्यों की खरीद फरोख्त को भी बढ़ा दिया है। 1985 में दलबल रोधी कानून भी इस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे उन्हें दिया जाने वाला मंत्री पद का लालच ही है। आप सोचिए कि क्या होता है कि हमारे राजनेता बड़े चालाक होते हैं, और ये तो याद रखिए, चोरी छुपे डकैती करने वाले बलात्कारी होते हैं, और आपने देखा है कि ये अपराधी होते हैं, बड़े मर्डर किए होते हैं, तो इनका दिमाग बड़ा खुला रहता है। इनके लिए एक अगर रास्ता बंद किया जाता है तो ये दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो आपने देखा है कि जैसे ही दल बदल रोधी कानून आया तो इसका भी इन्होंने विकल्प खोज लिया है। अब आप सोचिए कि अपना इस्तीफा पहले ही थे, सदस्यता बहाल होने से पहले, इनकी सदस्यता समाप्त होने से ही पहले इनको इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसमें मंत्री पद मिल जाता है, आगे चुनाव जीत जाते हैं। तो इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा हो सकता था कि या ऐसा करते कि अगर कोई एक सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आ रहा है, तो उसकी सदस्यता ना खत्म करते हुए
उसे 5 से 7 साल या 10 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तब भी आप देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से, मतलब एक काफी हद तक हम लोग असमंजस की जो स्थितियां बनी हुई है इन्हें कंट्रोल कर सकते थे, समझ रहे हैं? इसका सर्वाधिक गहरा प्रभाव विधायी कार्यों पर पड़ता है। अधिकांश विधायक संबंधी कार्यों को कार्यपालिका नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जबकि विधायिका का कार्य कुछ मिनटों की बहस के बाद उन विधानों पर केवल सहमति देने तक सीमित हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सत्ताधारी दल सचेतक जारी करके विधानों को पारित करवा लेता है। सत्ताधारी दल के सभी सदस्य बिना किसी असहमति के विधान पक्ष में अपना मत देते हैं। सदन पर मतदान दलीय सचेतक यानी कि व्हिप के अनुसार होता है, जिसका परिणाम आमतौर पर पूर्व निर्धारित ही होता है। ऐसे में विपक्षी दलों के सदस्य विधानों पर किसी भी प्रकार की बहस को निरर्थक मानते हैं और व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोगों को के संसदीय प्रणाली पर विश्वास कम होता है और एवं लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी एवं सहभागिता में कमी आने लगती है। भारत में संसदीय प्रणाली इन्हीं सीमाओं और नकारात्मक प्रभावों के आधार पर आलोचना की जाती है। इसके लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को एक विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। एक समय सोचिए आप लोग कि हमारे देश में जब 1947 में आजाद हुआ उस समय आपकी जो भी कैबिनेट था उस समय आप समझ सकते हैं कि सबसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। आप भीमराव अम्बेडकर साहब को ले लीजिए, जिन्होंने पूरा संविधान की रचना की हुई है, उन्हें आपने देखा है कि वो भी कानून मंत्री थे। तो तब कानून मंत्री मतलब पढ़े लिखे हों नेता, तभी देश आगे बढ़ पाता है। लेकिन इस समय देख सकते हैं आप लोग कि जो 8वीं फेल हैं वो भी आजकल शामिल हैं इसमें कैबिनेट में। भारतीय राजनीति में अध्यक्षीय प्रणाली की प्रासंगिकता, सबसे बुरी स्थिति तो हमें तब लगती है कि जब अगर आपको कॉन्स्टेबल बनना है तो कम से कम 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन राजनेता बनना है, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो इस तरह की आपके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर एक मुख्य कार्यकारी का प्रत्यक्ष निर्वाचन न केवल उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि इससे राजनीतिक प्रबंधन के बजाय प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी अपनी इच्छा अनुसार पूरे देश के विशेषज्ञों से अपनी कैबिनेट बना सकता है, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मतदाताओं के लिए विधायिका और कार्यपालिका के बीच अंतर कर पाना संभव होगा। वे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर मतदान कर सकते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका में विधायिका के सदस्य शामिल नहीं होते, जिससे विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो भी अब पार्टी अपने सदस्यों को चुनाव लड़ाती है उनके बारे में पूरी मतलब जानकारी विस्तार होना चाहिए कि इस पर कितने केस हैं, एक कितना पढ़ा लिखा है, न्यूज़पेपरों में बाकायदा छपवाना चाहिए, अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर भी, साइट पर भी डालना होगा। लेकिन आप देखते हैं अधिकतर पार्टी नहीं डालती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी दागी विधायक हैं, दागी सांसद हैं, तो क्या कहेंगे? अगर जनता को पता चल जाए कि ये इसके ऊपर इतने करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, इतना बुरा इंसान है, तो हो सकता है जनता जागरूक हो। इसलिए क्या करती है सभी पार्टी आपके देश की, वो नहीं करती है इस तरह का काम। भारतीय राजनीति में अध्यक्षीय प्रणाली की सीमाएं, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति के तानाशाह होने की संभावना होती है। हालांकि भारत की संसदीय प्रणाली में जब किसी एक दल का ही सरकार में अकेले बहुमत होता है तो इससे प्रधानमंत्री के तानाशाही होने की भी संभावना होती है। जब आप सोचिए कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अगर बहुमत हो उसके पास, तो आप समझते हैं कि यहाँ भी आपका तानाशाही देखने को मिलता है। अध्यक्षीय प्रणाली को नकारने का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह है कि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। हालांकि यह भागीदारी संसदीय प्रणाली के बजाय सार्वभौमिक वयस्क बलताधिकार और चुने जाने के अधिकार के कारण है। अगर आप देश को देखें कि लोकतंत्र की अगर देखें और राजतंत्र की बात करें हम लोग, तो आपने देखा होगा कि चाइना में कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आपने देखा है राष्ट्रपति वहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रपति में ही सकती है, फिर भी आप देखते हैं कि वो कई मामलों में हमसे बेहतर स्कोर कर रहा है। कई आपकी अटैक्स आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि चाइना
हम उसे बहुत आगे हैं। तो समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो मतलब हमारे यहाँ की नीतियों में गड़बड़ी रहती है, वरना हम इस तरह से आप भी अभी भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मार्केट हमारा कब्जा किए हुए चाइना, समझ रहे हैं। देखिए जब तक हम लोग खुद अपना प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन इतना ना करें कि हमारा पूरी हो सके, तब तक हम आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकते। राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों में हो रही गिरावट में ने निश्चित रूप से लोगों के विश्वास को कम किया है। यह गर्व की बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन यह लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जो सुशासन और लोगों के विकास को प्रगति करे। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली मौजूद है वहां उसका प्रदर्शन कैसा है, साथ ही यह भारत की परिस्थिति में कितनी उपयुक्त है। आप एक समय सोचिए कि आपके यहाँ लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन करंट स्थिति में आप देखिए क्या यही लोकतंत्र है। किस तरह से आपने देखा है कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए गरीब, जो डेली का कमाते थे डेली का खाते थे। तो आप देखिए कि आपके यहाँ के नेता क्या है और आपके यहाँ लोकतंत्र क्या है, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है।